गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और ISPSS पाठशाला आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस चीज़ की बात करेंगे कि इस बार आपका UPPCS का कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको थोड़ा रियलिटी चेक हो कि नहीं, इस बार बहुत से बच्चे फॉर्म भरे हैं और कंपटीशन इस बार इतना तगड़ा होगा कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं अपने चैनल पे जो UPPCS से रिलेटेड है, आप उसको जाके देखिए। और आज की वीडियो में कम से कम आपको एक बेसिक एक रफ आइडिया हो जाएगा कि कितने बच्चों के साथ आपको कम्पीट करना है, इस एग्जाम में कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला है और हर एक सीट पर कितना टफ कॉम्पिटिशन है आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको टारगेट करने हैं, आपके पास जितने भी दिन बचे हुए हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको टारगेट करना है और किस तरह से टारगेट करना है, इसकी बात हम आगे करेंगे। तो इस वीडियो पे आप आगे बने रहिए। तो पहले चलते हैं कि न्यूज़ देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, आज ही न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, PCS 2022 के लिए एक पद पे 2420 दावेदार। आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन है, अगर एक सीट के लिए 2420 लोग लड़ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको अपनी जगह बनाने के लिए कितनी ज़्यादा फाइट करनी होगी। इसमें हम आगे देखते हैं क्या दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि PCS परीक्षा 2022 एक पद पर 2420 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 16 अप्रैल तक 6,05,023 अभ्यर्थियों ने सारी औपचारिकता पूरी करते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरा है। इस बार आपकी SDM की सीट जो है 39 है और टोटल सीट है 250, तो आपकी एक सीट पे 2420 लोग की फाइट है। और साथ ही जैसा आपने देखा था कि मैंने वीडियो निकाला था कि बहुत लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, तो उसके बारे में यहाँ बोला गया है कि जो आयोग के सचिव जगदीश जी हैं उन्होंने कह दिया है कि फॉर्म की अंतिम तिथि बढ़ाने का कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब आप मानिए क्या चलिए कि उन्होंने क्लियर ही कर दिया है कि फॉर्म की जो डेट है वो आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत लोगों ने यह भी कहा था कि सर्वर बहुत डाउन था उस दिन, तो उन्होंने ये भी कहा है कि 12 अप्रैल को 84,135 अभ्यर्थियों ने फीस जमा की थी, तो आयोग जो है यही तर्क दे रहा है सर्वर की समस्या रहती तो इतने अधिक संख्या में विद्यार्थी जो है वो फॉर्म नहीं भर पाते। तो बेसिकली जो फॉर्म की एक्सटेंशन डेट के लिए लोग बोल रहे थे और कई लोग जो आयोग से गुजारिश कर रहे थे, आह्वान कर रहे थे कि आयोग अपना डेट बढ़ा दे, तो आयोग ने साफ साफ मना कर दिया है कि कोई डेट नहीं बढ़ने वाला है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं आखिरी 5 साल में कितने आवेदन गए हैं। तो आपके 2019 में 5,44,664 गए थे, 2020 में देखिए तकरीबन 6 लाख गए थे, 2021 में देखिए तकरीबन 7 लाख गए थे, और आप ये देखिए 2022 का कि 6,05,023 अभ्यर्थी दिए हैं। इसका मतलब है कि 250 सीट के लिए इतने लोग जो है वो फाइट करेंगे, तो पर सीट आपकी 2420 अभ्यर्थियों के लिए आपकी लड़ाई होगी। तो कंपटीशन कितना ज़्यादा तगड़ा है इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। तो अगर अभी भी आप अपने तैयारियों को लेकर ढील ढाल रवैया अपनाए हुए हैं तो इस टाइम के बाद आप सतर्क हो जाइए, आप डिसिप्लिन्ड हो जाइए, क्योंकि अब जो है वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्योंकि आप ये जान जाइए कि जब आप आराम करते हैं, जब आप बैठे रहते हैं, जब आप सोचते हैं, उस वक्त हजारों विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं आपकी जगह लेने के लिए। इसीलिए सोचने समझने का समय चला गया है, अब सीधे काम पे लगिए, पूरी जान लगा दीजिए। 50-55 दिन जो बचे हुए हैं, जैसा आप देख सकते हो कि आपका 12 तारीख को एग्जाम है, आज आपका 19 अप्रैल है, तो देखिए तो आपके पास सिर्फ 50 दिन बचे हुए हैं, मात्र 50 दिन बचे हुए हैं, और आपके पास पढ़ने के लिए इतने सब्जेक्ट्स हैं। ये देखिए आपका साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल और सीसेट। मैंने हर टॉपिक पे वीडियो बनाया है, मैं यूपी स्पेशल को लेकर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, आज या कल में इस पे वीडियो आ जाएगी कि आप कहाँ से पढ़ें। तो मैंने हर टॉपिक को काफी डिटेल्ड वे में समझाया है आपको। साइंस और पॉलिटी की मेरी वन लाइनर मिल जाएगी, जैसा आप यहाँ देख सकते हो, ये मेरी साइंस की वन लाइनर है और ये काफी क्रिस्प है, काफी कंसाइज है, इसको पढ़ के आपके साइंस के बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये मेरी पॉलिटी की वन लाइनर है, आप ये देख सकते हो, ये मेरी पॉलिटी की वन लाइनर है, दोनों साइंस और पॉलिटी दोनों की वन लाइनर जो है वो 102-103 पेज की है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, इसके बाद टेस्ट सीरीज लगाइए, मॉक पेपर लगाइए, PYQs लगाइए और कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्टअप करिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो आपके कॉन्फिडेंस काफी बूस्टअप हो जाते हैं, क्योंकि जो पेपर आयोग ने बनाया है अगर आप वही क्वेश्चन लगा रहे हो, वो क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो लगता है कि हाँ भाई जो पेपर में क्वेश्चन आ चुका है मैं वही सही कर रहा हूँ, तो मैं राइट डायरेक्शन में हूँ। तो बेसिकली ये वन लाइनर आप ले सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, मैंने कई बार बताया है फिर भी मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि सर हिंदी मीडियम के लिए आप वन लाइनर क्यों नहीं लाते हो, तो हिंदी मीडियम के लिए मैं वन लाइनर इसलिए नहीं लाता हूं क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए पहले से ही मार्केट में एक काफी अच्छा क्रेडिबल रिसोर्स अवेलेबल है, जो कि है GS Pointer आपकी घटनाचक्र पब्लिकेशन की होती है, तो काफी अच्छा ये रिसोर्स है हिंदी माध्यम के लिए। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, यहां पे देख सकते हो आप, इतिहास का है, राज्य व्यवस्था, भूगोल, कृषि विज्ञान, सारे सब्जेक्ट के वन लाइनर आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे। तो जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो अपना टेस्ट पेपर लगाएं, वो अपना मॉक लगाएं, अपना PYQ करें, और रिवीजन के लिए जो वन लाइनर रिवीजन होता है, जो कि आपको पता होगा कि UPPCS का नेचर बदल रहा है, बट अभी भी बहुत चीजें जो है वो डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपसे वन लाइनर पूछे जाते हैं, तो उससे आप बच नहीं सकते, आपको चीजें याद करनी होंगी। तो हिंदी के लिए ये बेस्ट रिसोर्स है, हिंदी मीडियम वाले अपना बेसिक जो है जहां से पढ़ते हैं वहां से पढ़े, और उसके बाद जो रिवीजन होता है लास्ट पॉइंट पे वो GS Pointer से कर सकते हैं, ये चीज उनको सफाइस कर देगा, चीजें याद
याद रहेंगे। और बाकी देखिए पढ़ने का एक तरीका होता है, अगर आप हैजार्ड मैनर में कुछ भी उठा के पढ़ने लगोगे तो चीजें आपको एकदम याद नहीं होंगी और आपको लगेगा भले ही कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया बट एग्जाम में आप डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जैसे आपके यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स हैं तो इन सब्जेक्ट्स में आपको देखना है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन सा है। देखिए सारे सब्जेक्ट मैं नहीं मानता हूँ कि किसी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे कि सबको सब कुछ आएगा। जैसा आप देखोगे इस बार भी यूपीपीएससी का कट ऑफ जो है 110 नंबर के करीब गया है, तो इससे ये पता चलता है कि आपको 60% लाइए आराम से तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो सब कुछ पे आपको मास्टर करने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ मास्टरी करके चले गए, नहीं ऐसा नहीं होता है। कुछ सब्जेक्ट जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किसी का साइंस होता है, किसी का पॉलिटी होता है, किसी का इकोनॉमिक्स होता है, किसी का हिस्ट्री होता है, तो आपके हिसाब से जो आप पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है, मुझे ये पढ़ना अच्छा लगता है। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप कोशिश करिए कि उसमें सबके क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। बाकी जो आपके वीक पॉइंट है, जैसे बहुत लोग की हिस्ट्री जो है वीक पॉइंट होता है क्योंकि हिस्ट्री याद नहीं होता है, तो क्या करिए कि आप हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से करिए, एंशियंट मेडिवल बस बेसिक बेसिक पढ़ लीजिए, उसमें मास्टरी मत करिए। इसी तरह बहुत लोग क्या होता है कि वो करंट अफेयर के पीछे भागते हैं, तो करंट अफेयर का मैंने रिसोर्स जो बताया आप उसको पढ़िए और करंट अफेयर को इस तरह मत पढ़िए कि भाई करंट अफेयर में आपको 100 में से 100 लाना, ऐसा नहीं होता है। कितना भी करंट पढ़ लोगे ना आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आपको ये करना है कि एटलीस्ट उतना रिसोर्स पढ़ लीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर से करंट के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ऐसे रिसोर्स पकड़िए जो 20 क्वेश्चन कम से कम आपके सॉल्व कर दे, तो आप मान जाइए कि हाँ भाई अच्छा रिसोर्स है। तो आप कोशिश करिए करंट अफेयर उतना ही पढ़िए जितना उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, जितना आपको इनपुट दीजिए उतना आउटपुट मिले। पूरे 50 दिन आप करंट पढ़ते रहेंगे तो पूरे क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे और जो इजी पार्ट होते हैं उसको भी छोड़ देंगे। तो कुछ देखिए जैसे इजी पार्ट होते हैं आपका साइंस जो है आप पढ़ोगे तो आंसर निकाल लोगे, आपका पॉलिटी जो है अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें से भी क्वेश्चन बन जाएंगे, आपके हिस्ट्री में जो मॉडर्न आती है, देखिए एंशियंट मेडिवल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मॉडर्न आप अच्छे से पढ़ोगे तो यहां से भी आप क्वेश्चन निकाल लोगे, आपका एनवायरमेंट जो है इजी क्वेश्चन आते हैं, तो चार क्वेश्चन टफ होते हैं नॉर्मली इजी होते हैं यहां से आप क्वेश्चन निकाल लोगे। तो ये देखिए आपके चार सब्जेक्ट होगा जो कि इजी आते हैं, आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो यहां से क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए किस पे मुझे फोकस करना है और कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मैं नॉर्मली पढ़ के जाऊंगा कि उससे इजी क्वेश्चन आए तो मुझसे छूटे ना, तो इस तरह की आप स्ट्रेटेजी बनाइए। साथ ही सीसेट को ध्यान रखना है, सीसेट पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना ली है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। सीसेट को इग्नोर नहीं करना है, पिछले साल बहुत लोगों का सीसेट की वजह से ही पेपर रुक गया था, वो जीएस बहुत अच्छा करके आया पर वो सीसेट का कट ऑफ क्वालीफाई नहीं कर पाया। तो मैंने सीसेट पे 2 वीडियो बनाई है, आप सीसेट पे जाके वीडियो देखिए, मैंने वहां पर पेपर को सॉल्व करके भी बताया है कि कैसे आप इजी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करिए, कैसे आप पेपर को सॉल्व करिए, तो वहां से जाके सीखिए। और समय 50 दिन पर्याप्त है, अगर से आप अभी से भी अच्छे से लग गए ना तो पीसीएस का कट ऑफ आप आराम से क्लियर कर जाएंगे। इसीलिए समय की वेस्टेज मत करिए दोस्तों, पूरी तरह मेहनत करके लगिए और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मैं यूपी पीसीएस पे लगातार वीडियो ला रहा हूं ताकि आपका डाउट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, कोई भी आपके मन में डाउट ना रहे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट कहां से पढ़ना है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब कुछ जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए पीसीएस को लेकर। तो दोस्तों आप इस तरह मेहनत करते रहिए, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।